घोसी के नतीजे तय करेंगे ओपी राजभर बनेंगे मंत्री या नहीं। घोसी उपचुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। घोसी से ही होगा यूपी की 80 सीटों का हिसाब। सपा ने उतारा 40 स्टार प्रचारक, लड़ाई हुई रोचक। उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव होना है, सबकी निगाहें इस उपचुनाव पर हैं। इस सीट से यूपी की 80 लोकसभा सीटों का हिसाब होना है। घोसी के चुनाव नतीजे बताएंगे कि यादव और मुस्लिम के अलावा अखिलेश को पिछड़ों का कितना समर्थन मिला। वहीं ये सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नाक का सवाल बन गई है। दरअसल ये सीट योगी सरकार के कामकाज के साथ ही 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का लिटमस टेस्ट है। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने गठबंधन एनडीए में ओम प्रकाश राजभर को शामिल कराया। इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर का टेस्ट होना है। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि घोसी विधानसभा के नतीजे तय करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं। वैसे ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की ज्यादा सीटों पर अपने असर का दावा करते हैं। राजभर समाज के 40,000 वोटर में से ओम प्रकाश राजभर की मुट्ठी में कितने हैं, इसका हिसाब भी होना है। ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए का हिस्सा है और इस बार फिर से नए निशान और पहचान के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में राजभर के एनडीए में शामिल होने से क्या पूर्वांचल का वो इलाका फिर से मजबूत हो जाएगा जहां बीजेपी को 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में झटका लगा था। क्या बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटों और दलित वोटरों पर अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी? कुर्मी नाई निषाद और कुम्हार वोटर इन चुनाव में किसका साथ देंगे? यानी घोसी से यूपी के 80 का टेस्ट होना है। घोसी विधानसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है। यहाँ पर उतरे उम्मीदवारों से ज्यादा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी अपने 40 दिग्गजों को चुनावी प्रचार में उतारने की तैयारी कर ली है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आजम खान सहित कई दिग्गज नेता हैं। इन 40 स्टार प्रचारकों में सपा ने जातीय और धार्मिक समीकरण का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन के दिन सभी जाति और धर्म के मंत्री और बड़े नेताओं का जमावड़ा करके जातीय संतुलन का समीकरण सेट कर दिया है, ऐसे में अब सपा ने भी पूरी फील्डिंग सजा दी है। गौरतलब है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देकर आए दारा सिंह चौहान को दोबारा से घोसी विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं पर सपा ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह पर दाव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में दलित मतदाताओं को लुभाने में दोनों दल लगे हुए हैं। इस खबर में इतना ही। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस .com।